बच्चों नमस्कार। सब अच्छे ठीक का? बच्चों घर पे अच्छे से रह रहे हैं? ठीक से? बच्चों मैंने आपको जो है हिंदी सरिता में 10 पार्ट पढ़ा दिए। बच्चों कितने पढ़ा दिए? 10। आज हम कौन सा चैप्टर चल रहे हैं? 11th चैप्टर, 11वां खरगोश और उसके मित्र। क्या नाम है बच्चों पार्ट का? खरगोश और उसके मित्र। बच्चों मित्र किसे कहते हैं? मित्र उसे भी कहते हैं जो हमारी खुशी में जो है हमारी मदद का हमारे साथ है ना, अच्छे समय में हमारे साथ है, वो मित्र नहीं होते बच्चों। मित्र वही कहलाता है जो बुरी समय में हमारी मदद करे, हमारे साथ है। तो ये एक ऐसा पाठ है जिसमें जो है खरगोश के मित्र तो कई होते हैं, लेकिन बुरे समय में जब खरगोश फंस जाता है, परेशान होता है, जब उसकी कोई मदद नहीं करते, तो उसे हम अपना मित्र नहीं कहते हैं। तो बच्चों मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ। बच्चों एक बार कहते हैं किसी जंगल में खरगोश रहता था। कौन रहता था? खरगोश। और खरगोश के कई मित्र थे, घोड़ा, बैल, बकरी, भेड़, बहुत सारे मित्र थे, है ना। और जो खरगोश जो है हमेशा उनकी अपनी ताकत के अनुसार कोई ना कोई मदद करता था, हमेशा उनके साथ रहता था। लेकिन एक बार क्या हुआ कि जब खरगोश जंगल में था तो क्या हुआ कि वो कहीं जा रहा था तो जंगली कुत्ते जो है एक बार उसके पीछे पड़ गए। कौन पड़ गए? खरगोश के पीछे जंगली कुत्ते। अब जो है खरगोश अपनी जान बचाते दौड़ता 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 आगे बढ़ता गया। उसने सोचा कि अगर आज मेरी कोई मदद नहीं करेगा तो ये कुत्ते मुझे मार देंगे और मैं मर जाऊंगा। और ऐसे करके दौड़ता हाँपता बहुत थक गया था, लेकिन दौड़ता गया और एक जो झाड़ी आई उन झाड़ियों में छिप गया। लेकिन उसने कहा ये कुत्ते मुझे क्या करेंगे, ढूंढ लेंगे, अगर मेरा कोई मित्र यहाँ पर आ जाए और मुझे बचा ले तभी मेरी जान बचेगी, नहीं तो मैं क्या होऊंगा, फंस जाऊंगा और ये कुत्ते मुझे मार के खा जाएंगे। अब जो है उसने देखा तभी सामने उसने कहा कोई मेरा मित्र आ जाए भगवान तो मेरी कोई मदद कर दे। तभी सामने जो है एक घोड़ा आता हुआ दिखाई दिया। कौन आया बच्चों? घोड़ा। उसने कहा घोड़े से कहा खरगोश ने कि प्रिय मित्र कुछ जंगली कुत्ते हैं जो मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे मार देंगे, तुम अपनी पीठ पर मुझे बिठाकर थोड़ा आगे छोड़ दो ताकि मेरी जान बच जाए। तो घोड़ा को कहा कि मेरी थोड़ी अपनी पीठ पर बिठा लो, मेरी जान बच जाएगी। लेकिन घोड़े ने कहा कि देखो मैं तो मित्र, मैं तुम अपनी पीठ पर तो बिठा लेता लेकिन मुझे अपने बहुत जरूरी कोई काम है, इससे मुझे जल्दी जाना है, जल्दी जाना है। देखो सामने जो है तुम्हारा ये तुम्हारे मित्र बैल आ रहे हैं, तुम उससे मदद मांगो, वो तुम्हारी मदद कर देगी। वो बोले मैं जल्दी में हूँ और बैल आ रहा है, कृपया उससे कहो वह तुम्हारी मदद निश्चित ही करेगा, सहायता करेगा। अब खरगोश सोचे ठीक है, उससे बैल से कहा कि ये प्रिय मित्र बैल, तुम जब मेरे पीछे कुत्ते पड़ गए हैं और मुझे मार देंगे, मैं मार जाऊंगा, तुम मेरी थोड़ी अपनी पीठ पर बिठा के मेरी मदद कर दो, मुझे थोड़ी दूर आगे ले जाओ ताकि मेरी जान बच जाए। बैल ने कहा मैं तुम्हें बिठा तो लेता अपनी पीठ पर मित्र, लेकिन क्या मेरे मित्र आगे मेरी जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं, इससे मुझे जल्दी जाना है। कौन प्रतीक्षा कर रहे हैं? बोले मेरे दूसरे मित्र जो है मेरी आगे प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, मुझे जल्दी जाना है। इसलिए सामने देखो बकरी आ रही है, वो बकरी तुम्हारी जरूर मदद करेगी और तुम जो है बकरी से सहायता मांगो। अब उसने खरगोश ने सोचा घोड़े ने मेरी मदद नहीं करी, बैल ने मेरी मदद नहीं करी, तो उसने बकरी से कहा कि बकरी तुम जो है मेरी मदद कर दो, मुझे भी अपनी पीठ पर बिठा लो और थोड़ी आगे छोड़ दो ताकि मेरी जान बच जाए, क्योंकि कुत्ते जो है जंगली कुत्ते हैं मुझे खा जाएंगे, वो मेरा पीछा कर रहे हैं। अब बकरी क्या हुआ बच्चों? बकरी बोली देखो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर तो बिठा सकती हूँ लेकिन मेरी पीठ क्या है बहुत कठोर है और तुम जो है तुम्हारे बाल सॉफ्ट सॉफ्ट है, तुम्हारा शरीर जो है बहुत मुलायम और कोमल है, वो मेरी पीठ पर तुम बैठोगे तो तुम्हें बहुत दर्द होगा, इसलिए जो है सामने एक और आ रहा है। कौन आ रही है? भेड़। तुम उससे मदद मांगो क्योंकि भेड़ तो स्वयं ही सॉफ्ट होते हैं, उसके बाद इससे तुम उसकी पीठ पर बैठ जाओ। अब देखो खरगोश हमेशा सबकी मदद करता था, घोड़े ने भी एक एक टाल दिया,
नेता मुझे चलती जाना है, बैल नेता मेरे भीतर प्रतीक्षा कर रहे हैं, बाकी नेता मेरी जो है शरीर क्या है कठोर है, तुम नहीं बैठ सकते, आप भेड़ है। उससे क्या कहा? उससे भेड़ से कहा कि जो है भेड़ किसका कि मैं मेरी मदद करो। इस प्रकार उसने सबसे कहा मेरी मदद करो, लेकिन किसी ने उसकी बच्चों मदद नहीं करी। अब जो है खरगोश घबरा गया, उसने सोचा मेरी कोई मदद नहीं कर रहा, अब मुझे अकेला छोड़ गए हैं और एक कुत्ते मुझे ढूंढ कर मार देंगे। बेचारा डर गया, लेकिन फिर भी उसने सोचा मेरी कोई मदद नहीं कर रहा तो मुझे स्वयं अपनी मदद करनी पड़ेगी, है ना। तो उसने सोचा, उसने धैर्य नहीं छोड़ा, उसे साहस नहीं छोड़ा और जो है उसे क्या कहा, उसे ये कहा कि मुझे जो है उसकी मदद अब स्वयं ही करनी पड़ेगी। और वो है वो दौड़ता गया दौड़ता गया, आगे से आगे छिपते छिपते और जो है अंत में उसे कुत्तों को धोखा देते और एक जगह जाके छिप गया, फिर कुत्ते कहीं दिखाई नहीं दे। तो बच्चों उसने अपनी मदद स्वयं करी, किसी ने उसकी मदद नहीं करी। तो मित्र बच्चों वही होता है जो मुसीबत में हमारी सहायता करे, जो मुसीबत में सहायता नहीं करेगा उसे हम मित्र नहीं कहते। तो ऐसे खरगोश ने खरगोश ने कहा अच्छे समय में तो मेरे कई मित्र थे, लेकिन आज मेरा बुरा होता है तो मेरी किसी ने मदद नहीं करी, इसलिए मुझे स्वयं जो है अपनी मदद करनी पड़ेगी। जब मैं स्वयं अपनी मदद करूंगा तभी मैं बच पाऊंगा। और अंत में खरगोश जो है आगे से आगे दौड़ते गए और उन्होंने कुत्तों को चकमा देने में कामयाब हो गया और उस अपनी जान स्वयं की जान बचा ली। वरना बच्चों से अगर वो धैर्य छोड़ देते डर जाते तो कुत्ते में खा जाते, लेकिन उसे कहा कि कोई और नहीं कर रहा मदद तो मुझे स्वयं कर लो, और चकमा दिया। उन्होंने कुत्तों को छिपता छिपता आगे बढ़ गया और कुत्ते देखे कि आप पता नहीं कहाँ चला गया, कुत्ते चले गए और उसने अपनी जान बचा ली। तो बच्चों हम हमेशा कहते हैं कि हर कोई मित्र नहीं होता है, मित्र की परख कब होती है जब हमारे जीवन में मुसीबत आती है। और अगर मित्र सच्चा वही होता है जो मुसीबत में बच्चों हमारी मदद करता है, वरना वो हमारा मित्र नहीं होता। आगे मैंने आपको पूरी कहानी बता दी, अब आप इसको एक बार और किताब में से पढ़ना और जो है शब्दार्थ लिख देना, मैं आपको इसकी क्वेश्चन आंसर इसके साथ भेज दूंगी। आप सुंदर सुंदर में बच्चों क्वेश्चन आंसर करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना, ठीक है बच्चों। कॉपियां भी चेक करवाना है।